दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ के मझोली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुकू सरकार ने केवल कर्ज लेने और मित्रों को लाभ पहुंचाने की उपलब्धि हासिल की है, संस्थान बंद कर दिए, युवाओं को रोजगार नहीं और गारंटियों के नाम पर प्रदेशवासियों को धोखा दिया। वहीं उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं से देवभूमि शर्मसार हो गई है, ऐसी जनविरोधी सरकार को अब जवाब देने का वक्त आ गया है। लेकिन बिल्कुल तसल्ली होती थी कि मैं जो कर रहा हूँ उस क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ, नालागढ़ के लिए जहाँ जरूरत। मैंने वीडियो को दफ्तर दिया, नोटिफिकेशन कर दिए, कांग्रेस की सरकार, सुक्खू भाई की सरकार आई और बंद कर स्टाफ बैठा दिया, वीडियो उठा दिया, उसके बाद डिनोटिफाई कर दिया। आपके नालागढ़ में यहाँ पर हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। दो अपने PSC यहाँ पर दी थी और दोनों PSC डिनोटिफाई, यहाँ स्टाफ बैठ गया, डॉक्टर बैठ गया। अब आप कल्पना करिए, ऐसे नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 संस्थान ऐसे थे जो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान, जो लोगों के मांगों पर हमने दिए थे, खोले थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए। सुक्खू की सरकार, सुक्खू जी की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार। अब पिछले 18 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की विकास कहीं हुआ? सड़क टूटी है तो टूटी ही है, पुल टूटा हुआ है तो टूटा हुआ ही है। कल हम यहाँ आ रहे थे कि रास्ते में कौन सा पुल है, वो रास्ते में जहाँ खड से होकर के हमको आना पड़ा, पुल टूटा है तो टूटा है लोहटक, और हमारी तो गाड़ी बिल्कुल जो है उसमें मिट्टी में ऐसी फंस गई, बड़ा मुश्किल से निकाली गाड़ी। ये तो स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।